नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में और एक नए अपडेट के साथ। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो जो भी चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसे देख के चले जाते हैं। वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ होता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि आप लोगों को भी BRMGSS से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। और यहाँ पे BRMGSS और BRMGSU के बारे में जितने भी अपडेट आते हैं, आप लोगों को ये चैनल में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, कल जो वीडियो एक अपलोड हुआ था आपका, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जो BRMGSU की तरफ से आया था, जो त्रिपक्षीय बैठक हो गया बोल के एक BRMGSU की तरफ से वीडियो आया था, अपलोड हुआ था, आप लोग देख ही चुके होंगे। तो उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और मैं ये भी बताऊँगा कि BRMGSS और BRMGSU में क्या डिफरेंस है, वो भी बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो BRMGSS और BRMGSU के बारे में डिफरेंस क्या है, और मतलब कौन ये हो रहा है ज़्यादा, ये मतलब ये प्रमोशन में आगे चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले BRMGSU की तरफ से जो ये आया था, न्यूज़ निकल के आया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिए गए थे, आप लोग पहले फ़ोटो को देख लीजिए। यहाँ पे त्रिपक्षीय बैठक का फ़ोटो दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, फूल दे के आपका स्वागत कर रहे हैं, और उसको ये कर रहे हैं, मतलब ये एक फ़ोटो हो गया, और दूसरा ये वाला हो गया। आप देखिए, यहाँ पर तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे चार लोग हैं। यहाँ पे वो लोग त्रिपक्षीय बैठक किए थे, और वो उसी का फ़ोटो है। तो अभी नेक्स्ट आप लोग ये देखिए, उसके त्रिपक्षीय बैठक करते समय वहाँ पे क्या हुआ था, मतलब क्या लिखा गया था। उसके ऑफिशियल फेसबुक पेज में ये न्यूज़ आया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सक्सेसफुली बायलेटरल मीटिंग बिटवीन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन विद डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कोलकाता 16 सितंबर 2022। Members of the Central Committee of the Union of the Instruction of Sri Parimal Kanti Mandal, All India President of Bharatiya Railway Mal Godam Shramik Union BRMGSU, to expedite the central decision to implement the minimum wages and recognitions of the railway Godam sets workers, a successful bilateral meeting was held at the Nizam Palace headquarters of the Labour and Employment Department, Kolkata. Deputy Chief Labour Commissioner Central Mrs. Rupa Bharat was on behalf of the Labour Department and on behalf of BRMGSU Central Committee members Mr. Jayant Haldar, Mr. Ashish Bhauri, Mr. Sambik Nyogi, Kalol Sasmal and Biswajit Bani were present. The meeting outlined how to deliver all government benefits like pension, insurance, medical, housing, including minimum wages to railway goods sets workers. Deputy Chief Labour Commissioner Mrs. Rupa Bharat assured to deliver this government benefit to the workers as soon as possible. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो श्रमिक लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, ये त्रिपक्षीय बैठक हुआ था आपका BRMGSU की तरफ से, उसमें वो लोग न्यूज़ यही वहाँ पे यही डिस्कस किया गया था कि श्रमिकों को कैसे जो सुविधा मिलनी चाहिए वो लोग को देना चाहिए। और ये लेबर मिनिस्ट्री के साथ में वो लोग बैठक किए थे, और जितने भी गवर्नमेंट सुविधाएं हैं श्रमिकों को मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये पेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल, हाउसिंग, इंक्लूडिंग मिनिमम वेजेस टू रेलवे गुड्स सेट्स वर्कर्स। डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर, ये डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर मिसेस रूपा भारत एश्योर किया है कि ये सब उन लोग को जल्द से जल्द दिलाने का काम करेंगे, ये मीटिंग में कहा गया, वो लोग मीटिंग में बोला गया था। तो इसका मतलब ये होता है कि BRMGSU में जो संगठन है, उन लोगों का ये डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये होने जा रहा है, पूरा नहीं हुआ है, होने जा रहा है। तो आइए, अब यही था इसका जो न्यूज़ निकल के आया था BRMGSU की तरफ से, तो यही था। अब बात करेंगे BRMGSU और BRMGSS में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, BRMGSU भी एक यूनियन है और BRMGSS भी एक यूनियन है, दोनों एक ही हित में काम कर रहे हैं, जो लेबर यूनियन है, लेबर है हम लोग के पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उन लोगों का हक दिलाने का काम कर रहे हैं।
फिर भी BRMGSS अभी जो रथ यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे सबका डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और आपका जितना भी काम बच गया है, जो जो जहाँ जहाँ पे राष्ट्रव्यापी दौरा हुआ है वहाँ पे सबका डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और भी आपका रथ यात्रा होते रहेंगे, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक होगा, शायद पूजा से पहले ख़त्म हो जाए या पूजा का बाद भी चल सकता है। फिर भी आपका त्रिपक्षीय बैठक उससे पहले भी हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब BRMGSS में। लेकिन BRMGSU में त्रिपक्षीय बैठक हो चुका है, यहाँ में कोलकाता में आप लोगों को दिखाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस में आपका ये हो चुका है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो BRMGSU में जो डिमांड्स थे उन लोगों के, पेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल, हाउसिंग, मिनिमम वेजेस का, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, डिमांड एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उन लोग ये करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे और लागू कर देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है BRMGSS में, आप लोगों को तो ऑफिशियल वेबसाइट में देखा ही होगा कि BRMGSS का 13 डिमांड्स ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जो डिमांड्स पूरा हो चुका है उसमें ये सब भी है, पेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल, हाउसिंग, मिनिमम वेजेस, ये सब आप लोगों ने तो देखा ही होगा 13 डिमांड्स में। मुझे तो बताने की ये भी नहीं है, मतलब नहीं बताने से भी हो जाएगा, आप लोगों को तो पता ही है। तो वही बात है कि BRMGSU में अभी तक डिमांड पूरा नहीं हुआ है, ये होने जा रहा है, लेकिन BRMGSS में ऑलरेडी ये पूरा हो चुका है। और BRMGSS में लेबर मिनिस्ट्री के साथ जब ये ईश्रम पोर्टल खुला गया था, तब से जितने भी ऑल ओवर इंडिया में लेबर है तब से वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। 60 या 70% ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं आपका BRMGSS वेयरहाउस वर्कर, एज अ वेयरहाउस वर्कर्स दे ऑलरेडी रजिस्टर इन द ईस्टर्न पोर्टल, वो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। अब 30% ही बचा हुआ है, 30% विल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल, जल्दी हो जाएंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका बाकी काम स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को यही बताना था कि BRMGSU जो संगठन है उन लोगों का ये डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है जल्द पूरा होंगे, लेकिन BRMGSS का पूरा हो चुका है। इसका मतलब BRMGSS, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे न्यूज़ मिलती रहे, अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहे। तो यही था आज के वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।